नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब घोटाले के एक अभियुक्त भी हैं, ऐसा ईडी का कहना है। दोस्तों, आपने एक बड़ी फेमस कहावत सुनी होगी कि कोयले के दलाली में मुंह हमेशा काला होता है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इनको ईडी ने शराब घोटाले के अंदर 9 बार सम्मन भेज चुके हैं। 9वां सम्मन जब इनको भेजा गया था तो उस सम्मन के बाद इनको 21 मार्च यानी कि आज के दिन ईडी के सामने पेश होना था। आप सभी जानते हैं कि इनको 9 सम्मन भेजे जा चुके हैं और हर बार ये एक नया ड्रामा बनाते हैं कि मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, मैं मीटिंग में बिजी हूँ, गोवा में हमारे जो एक MLA है उसने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, मैं वहाँ बिजी हूँ, और हर बार ये बहाना बनाते थे ईडी के सामने ना पेश होने का। और सबसे बड़ा बहाना तो इनका ये था कि ईडी के जो सम्मन है वो गैर कानूनी है, वो इनलीगल तरीके से बनाए गए हैं और उनको उनके जवाब के लिए हम ईडी के पास नहीं जाएंगे। हर बार यही बहाना मार के इन्होंने दिल्ली की जनता को, ईडी को, न्यायपालिका को, सबको बेवकूफ बनाया। उसके बाद ईडी कोर्ट में भी पहुंची थी, आप सभी जानते हैं, जहां इनको अच्छी खासी फटकार भी लगाई गई थी और ईडी जो हमारे न्यायालय है उसने ये तक कहा कि आपको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इनको फिर 9वें सम्मन के जवाब में ईडी के सामने पेश होना था। ये भाई साहब ईडी की जगह आज हाईकोर्ट पहुंच गए और दोस्तों आप जानते हैं आज इन्होंने हाईकोर्ट में क्या कहा है, इनके वकीलों ने क्या दलील दी है। जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो हमेशा चप्पलों में रहते हैं, कभी जूते भी नहीं पहनते, शर्ट भी बाहर निकाल के घूमते हैं, कोट नहीं पहनते, इनके घर में कोट नहीं है, एक क्योंकि मुख्यमंत्री को तो शायद हो सकता है 10 रुपये महीने की सैलरी मिलती है इसलिए बेचारे कोट भी नहीं खरीद सकते हैं। वो बात दूसरे की, करोड़ों रुपए घोटाला शराब घोटाले में कर दिए इन्होंने। इन साहब ने बोला कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब वो एक आम आदमी नहीं है, वो खास आदमी हो गए हैं, तो उनको खास आदमी हो गए तो उनको खास छूट भी देनी पड़ेगी। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश हो जाएंगे, पर इनकी शर्त है, वो शर्त ये है कि ईडी इनको ये लिख के दे, ये भरोसा दे कि ईडी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। मतलब केजरीवाल जी, कानून क्या पापा का है, मतलब पापा का राज चल रहा है यहाँ, आप बोलोगे उस हिसाब से कानून चलेगा। ये ऐसे आदमी है जो खुद मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे कि अगर जांच एजेंसियाँ जांच करती हैं तो आपको उसके सामने पेश होना पड़ेगा, सोनिया गांधी को उठाओ, उसको डंडे मारो तो वो बताएंगे किस किस को रिश्वत दी। सारे जो हमारे तमाम देश के नेता वो सब भ्रष्ट हैं। ऐसे ऐसी बातें बोलने वाला अरविंद केजरीवाल जो चप्पलों में घूमता है आज भी, वो आज अपने आप को खास आदमी बता रहा है और बोल रहा है कि मैं ईडी के सामने तब पेश होऊंगा जब ईडी मुझे ये भरोसा देगी, ये लिख के देगी कि वो गिरफ्तार नहीं करेगी। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है, मतलब एक तो आपने घोटाले करो, जमकर पैसे की रिश्वत खाओ, उसके बाद जब सरकार जांच एजेंसियां जांच करे तो आप कहोगे भैया आप गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं आपके पास जांच की दे आऊंगा। मतलब ये कौन सा, क्या है ये, मतलब क्या इन्होंने कानून को, संविधान को क्या समझ रखा है। कानून का इनके पापा का राज चल रहा है कि ये बोलेंगे कि भैया कोर्ट, और ये बात ये कोर्ट में जाके बोल रहे हैं, कितनी बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि कोर्ट में जाके एक आदमी न्यायालय में जाके न्यायाधीश के सामने ये बात बोल रहा है कि जी हमें इस बात की गारंटी दो कि आप हमें गिरफ्तार नहीं करोगे। मतलब इसका मतलब आपने घोटाला करा है, आप इस बात को मानते हो, आप घोटालेबाज हो, ठीक है। अगर आपने घोटाला नहीं करा तो आप क्यों नहीं उनके सामने पेश हो रहे, आपको डर किस बात का है। दोस्तों, इस तरीके का चरित्र अरविंद केजरीवाल जी का है, जो अपने आप को आम आदमी बोलते थे, ये आम आदमी कब आम से खास हो गया, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। 45 करोड़ के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल आज न्यायालय के सामने ये बात बोल रहे हैं कि आप मुझे लिख के दो कि ईडी मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी, ये शर्म करने वाली बात है। देश की जनता, दिल्ली की जनता आज देख रही है इनको। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, खास तौर से अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो हमारे देश के न्यायालय का जो इन्होंने मजाक बना दिया, जो हमारी जांच एजेंसियों का जो इन्होंने ड्रामा बना दिया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपके हिसाब से क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप वो भी बताएं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई में घोटालेबाज है या इन्होंने दिल्ली का कुछ भला करा है? अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या करा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो सही लगे तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।